नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सांभर जिसकी जान परिंदे थे, जिसकी शान परिंदे थे, सांभर जो हमेशा देसी विदेशी परिंदों की कलरव से गुलजार रहता था। लेकिन न जाने सांभर को किसकी नजर लगी, जो सांभर पक्षियों की पनाहगाह था, आज वही सांभर पक्षियों की कब्रगाह बन गया है। हर वो शख्स जो परिंदों से प्यार करता है, हर वो आदमी जो प्रकृति की परवाह करता है, हर वो इंसान जो बेजुबान पक्षियों से मोहब्बत करता है, आज हर उस शख्स की आंखों में आंसू हैं और दिल में जुबा से बयां न कर पाने वाला दर्द। शासन गंभीर है और प्रशासन संजीदा, फिर भी परिंदों के मरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आसमान को अपनी उड़ान से नापने वाले करीब 20,000 बेजुबान जमी दोष हो गए हैं। गिनना जारी है, चिंता बढ़ती जा रही है और सांभर में इस मौत के मंजर को देखकर हर कोई कह रहा है, ओ नादान परिंदे मत आना। तो कलरव की कब्र बन गया सांभर, हर ओर परिंदों की मौत का मंजर। क्यों दम तोड़ते रहे बेजुबान प्रवासी, क्यों काल बन गया नमक का समंदर। हर किसी के जहन में है बस ये सवाल, क्या ये कोई बैक्टीरिया है, क्या कोई वायरल अटैक हुआ है, क्या सांभर के खारे पानी में किसी ने जहर खोला है, क्यों मेहमानों पर मौत ने हमला बोला है। बिग फाइट में बहस आज इसी अहम मुद्दे पर। हमारे साथ जुड़े हैं बेहद खास मेहमान। हमारे साथ है बीजेपी नेता पंकज मीणा जी, रिटायर्ड IFS अक्षय सिंह जी हमारे साथ है, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट सुधीर गर्ग जी हमारे साथ हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट मनोज कुलश्रेष्ठ जी हैं और साथ ही ऑर्थिनोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइफ में। शुरुआत अक्षय सिंह जी आपसे ही करते हैं। सर, क्या वजह है एक के बाद एक आंकड़ा इतना बढ़ता गया कि 20,000 पक्षियों की मौत हो गई? बहुत ही दुखद है, मतलब इस तरह के होना घटना, और एक जो इस तरह का परिंदे, बेजुबान परिंदे और इतनी तादाद में मरे, ये हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है। ये जब स्टार्ट हुआ, करीब 10 दिन पहले स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त ये सोच लेना चाहिए था, तुरंत एक्शन में आना चाहिए था। इसमें टाइम बहुत लग गया हमको। हम ये देखते रहे, दो चार मरे करें, पहले तो ये हुआ कि कौन एक्शन ले, वाइल्ड लाइफ विंग लेगा या एडमिनिस्ट्रेशन लेगा, वेटरनरी डिपार्टमेंट लेगा, उसमें टाइम निकल गया। और जिस तेजी से अभी तक तो ये जहां तक जानकारी मिली है कि बोटुलिज्म जो बैक्टीरिया है उस कारण से हो रहा है, और वो डेड बॉडी पे ज्यादा थ्राइव करता है, तो यदि डेड बॉडी को हम इमीडिएटली रिमूव करते होते, डेड बॉडी इमीडिएटली रिमूव करते होते, इतना नहीं फैलता। उनका डिस्पोजल, उनका कारकस का डिस्पोजल हमको इमीडिएटली करना चाहिए था। और जिस तेजी से ये होते गए और मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ, दो के चार, चार के 16, 16 के 64, इस तरह से होता चला गया और नंबर बहुत तादाद में बढ़ गया। आज 20-25 हज़ार से ऊपर नंबर चला गया। अब मैं तो आज मैं ये मानता हूँ, हमको ये खैर किसका दोष है उससे लिंक नहीं है, पर हमको इसको बचाने के लिए डेड बॉडीज का डिस्पोजल, उनको चाहे हम बरी करें, चाहे उनको या उनको जो है उनको जलाएं, पर ये हमको एक्शन लेना बहुत तत्काल है। और मैं तो इतना देर तक भी कहूंगा, स्टेट इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है बर्ड्स के लिए। जी, ये तो ये गंभीर, बहुत ही बिल्कुल बहुत ही गंभीर है। सर सुधीर गर्ग जी, ये बॉटलिज्म की बात कही जा रही है कि ये बॉटलिज्म है, वो भी कई तीन तरह के होते हैं, लेकिन अगर यही कारण है तो इसको लेकर भी तो समाधान की कोई बात नहीं की गई। जब शुरुआत जिस तरह से सर्वे उतारे हैं, आंकड़े एक के बाद एक बढ़ते गए, लेकिन कोई समाधान की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, और यही वजह कि आंकड़ा 20,000 पहुंच गया। सबसे पहले इस घटना की सूचना सबसे पहले मैंने ही दी थी 10 दिन पहले जी। और एक हमारा वाइल्ड लाइफ ग्रुप है व्हाट्सएप में, जहाँ सारे जिम्मेदार अधिकारी ऑफिसर सब लोग हैं। मैंने उस टाइम सबसे पहले दो शब्द काम में लिए थे, SOS एंड इमरजेंसी, इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन। सब लोगों ने देखा, फोटोज भेजे डाले। मैं 10 साल से बर्डिंग कर रहा हूँ, सांभर लेक रेगुलर जाता हूँ हर महीने, एक महीने पहले भी गया था, तो इतना पानी था जब ऐसी कोई घटना नहीं थी। पानी देख के मुझे लगा कि इस बार बर्ड्स के लिए सांभर लेक हेवन होने वाला, इतने बर्ड्स आएंगे, क्योंकि जनरली दिसंबर जनवरी फरवरी तक पानी कम हो जाता था, सूख जाता था, तो बर्ड्स तो माइग्रेटरी हैं, जहाँ उनको खाना पानी मिल रहा है वहीं जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है ये अभी तक भी क्लियर नहीं है। बर्डलिज्म हो सकता है, और भी कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो कारण हो सकता है, इस बार एक्स्ट्रा रेनफॉल है, पानी ऐसी ऐसी जगहों पे गया है लेक के ड्राई एरिया में, जहाँ पे पहले कभी नहीं गया, तो उस ड्राई एरिया में क्या कोई टॉक्सिन थे, कुछ सॉल्ट ज़्यादा था, ये एक्सपर्ट लोग बता सकते हैं। लेकिन मेजर कारण ये है कि ज़्यादा बारिश होने से सांभर लेक के बाहर भी वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ भी बर्ड्स हैं, वहाँ कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है।
खाली जो प्रॉब्लम है सांभर लेक में है, सांभर लेक का पेरिफेरियल एरिया में है। सांभर लेक का पेरिफेरियल एरिया बहुत बड़ा है, 35 किलोमीटर्स है, तीन डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जयपुर, अजमेर, नागौर। तो इतना बड़ा एरिया में सर्वे करना मैन्युअली पॉसिबल नहीं है, दलदल है, कोई ट्रैक नहीं है, उसका एरियल सर्वे हो सकता है, मैन्युअली इट इज़ नॉट पॉसिबल। अपन किसी को दोष देना बहुत आसान है, फॉरेस्ट को या गवर्नमेंट को, लेकिन इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और काउंट करना जो बर्ड्स पानी के बाहर हैं या बरी हो गए हैं, अपने पास वो फिगर आया, जो पानी के अंदर हैं या तो ऐसे एरियाज में हैं जहाँ कोई पहुँचा ही नहीं है, उनका मालूम ही नहीं है। तो ये ट्रेजेडी बहुत बड़ी है, ऑल टाइम एक तरह से दाग है। बिल्कुल सर, ये रामसर साइट है, ये रामसर साइट है। और जिस तरह से आपने कहा कि आप वहाँ हर महीने जाते थे, 10 दिन पहले इसकी सूचना दी गई थी, अगर 10 दिन पहले से इतनी गंभीरता दिखाई जाती तो शायद आज ये तस्वीर और ये आंकड़े सामने नहीं आते। एक्शन लिया गया है, लेकिन इसके लिए कोई मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है। मनोज कुलश्रेष्ठ जी, सर आप क्या वजह मानते हैं, क्योंकि अभी कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। टेस्ट के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट आने में भी बहुत देरी। देखिए साइंस में सैंपल्स का जो रिपोर्ट आती है, ये क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो बैक्टीरिया है, एक ग्राम पॉजिटिव है, जो एक कलर अपन देते हैं उससे वो उसमें पॉजिटिव आता है। अपना क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई भी होता है, इन सब की एक जांच है, जो पॉजिटिव आ जाती है तो इसका मतलब वो 100% है। अच्छा, जो स्थितियाँ इस बार बनी कि पानी ज़्यादा आया, पानी ज़्यादा आ गया जुलाई में ही, अगस्त में ही, तो तब से एल्गी और वेजिटेशन वहाँ पर इकट्ठी होने लगी। ये जब एल्गल सेडिमेंटेशन होता है, नीचे जमाव होता है, तो कुछ ऑक्सीजन की कमी के कारण ये बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम स्पोरुलेट होता है, और जैसे ही उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं वो वहाँ पे थ्राइव करने लगता है। ये बर्ड्स के थ्रू भी होता है, उनके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से जाता है, और ये वैसे वहाँ पे भी पर ये रहता है सुषुप्त अवस्था में, वहाँ पे सालों साल रह सकता है। तो जब पानी नहीं आता था लेक में, वेजिटेशन भी नहीं होती थी, तो इस तरीके की कोई एपिडेमिक की या उसकी कोई गुंजाइश नहीं बनती थी। अच्छा, जो वायरस हैं जो बर्ड्स में पाए जाते हैं, हाई मॉर्टेलिटी के बहुत रिकॉर्ड्स हैं, 1900 से बराबर साइंस में ये रिकॉर्ड्स पब्लिश होते रहे हैं। और इसमें यह है कि सबसे बड़ी कैटास्ट्रॉफी हुई थी नॉर्थ कैरोलिना में और नेवाडा में, जहाँ करीब करीब 6 मिलियन बर्ड्स मरी थी। 6 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है, वो 71 की बात है। फिर 87 में उटा में हुई, और ये अब इसमें वेल्स में और इंग्लैंड में भी लगातार हो रही है। तो ये नॉन फैक्टर है। आज भी मेरी RSPB जो बर्ड कंजर्वेशन का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साइट मैनेजर से बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई कुछ भी नहीं हो सकता, ये नॉन फैक्ट है, लेकिन हम हेल्पलेस हैं इसमें। या तो वाटर लेवल बढ़े, या डीसिल्टिंग हो, जो जहाँ पे वेजिटेशन सड़ रही है उसको हटाया जाए, या ऑक्सीजनेशन किया जाए, ताकि एनारोबिक बैक्टीरिया अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की कंडीशंस में लाया जाता है तो ये अपने आप मरने लगता है, ये सर्वाइव नहीं कर पाता उसमें। तो ये रीजंस उन्होंने बताया कि कैसे मिटिगेशन मेजर्स हो। अब आती है बात कि ये देरी और जल्दी और किसने कब रिपोर्ट किया और कौन से डिपार्टमेंट ने क्या किया। तो देखिए, जब ये पहले सिम्टम्स आए, इससे पहले हमारे पास में कुरजां के खींचन से आए थे, जिसको दाने पे जहरीले दाने से मोर भी मरते हैं, कई और दूसरे पक्षी भी मरते हैं, और कुरज भी मर जाते हैं जब बुवाई होती है। तो हम ज़्यादातर जगह पे ये मान लेते हैं कि जहरीला दाना होगा, या कोई वेस्ट वाटर पॉल्यूटेड वाटर आ गया होगा, या कोई डिजीज़ एवियन फ्लू वगैरह चल रहा होगा, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। लोग गए, सोशल मीडिया पे बहुत हल्ला हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि रिपोर्ट ना आ जाए कि जांच रिपोर्ट में सैंपल्स में क्या हुआ। हम सब एक्सपर्ट्स हैं, हम सब अपनी राय दे सकते हैं, हम सबके पास थोड़ी थोड़ी जानकारी सबके पास में है। तो वो तो हमारे पास सब में आ गई, किसी ने का वायरस है, किसी ने का एवियन फ्लू है, किसी ने का वो एक डिटर्जेंट की फैक्ट्री लग गई है, तरह तरह की बातें हुई। मैं वहाँ पर मिला वेटनरी के जॉइंट डायरेक्टर साहब से, फॉरेस्ट वालों से, सबसे मिला, लेकिन उनको ये क्लैरिटी नहीं थी कि इस तरीके की डिजीज़ भी यहाँ पर, ये सॉरी डिजीज़ नहीं है, ये है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लेकिन इसमें एक टॉक्सिन पैदा होता है जो न्यूरोटॉक्सिन है। मैंने वहाँ देखा बर्ड्स, जैसे जो जिंदा बर्ड्स थी उनकी भी मैंने वहाँ पे जांच की, तो वो थोड़ा थोड़ा फड़फड़ा रही थी, थोड़ी बहुत गर्दन भी हिला रही थी जो ज़मीन पे थी, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो ये पहला उसका सिम्टम है न्यूरोटॉक्सिन का, कि वो मसल्स को, नर्व्स को पैरालाइज करता है, फ्लैसिड पैरालिसिस बोलते हैं इसको, वो खड़ी नहीं हो सकती। तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ पर था, उसी समय ये तय हो गया था, लेकिन जब तक सैंपल्स की जांच नहीं आए हमारा कुछ भी कहना मनगढ़ंत होता है, क्योंकि वो गैस है, एक वाइल्ड गैस है। अब बात आती है कि और बर्ड्स आएंगी तो क्या किया जाए। तो अब इसमें ये है हरक्यूलेंट टास्क, जैसा सुधीर गर्ग जी ने बोला कि इतनी बड़े एरिया में ढूंढना, दलदल,
वॉलंटियर्स डिपार्टमेंट वो पॉसिबल नहीं है, तो क्या किया जाना चाहिए? देखिए मैं एक कर रहा हूँ जी, देखिए क्या है कि जब हमको थोड़ा बहुत भी आइडिया होता है, एक हम रिपोर्ट की वेट तो करते हैं, पर जब हमें कुछ भी आइडिया हो रहा है हमको तुरंत एक्शन तो बनता ही है। आज ये मतलब जो आप इंटरनेशनल लेवल पे देखिए इसका क्या हमारा ये जा रहा है, इम्पैक्ट जा रहा है। अक्षय सिंह जी, एक्शन तब होता है जब हमें पता है। अब जैसे आपने बोला कि ये हमको उसका जो नर्व सिस्टम पे अटैक कर रहा है, कुछ हमको एक सिम्टम मिल रहे हैं, इमीडिएटली इनकी डेड बॉडी को जो था ना, कार्कस को जो है वो डिस्पोज करें, वो पहला प्राइम। बिल्कुल ये बात तो, लेकिन डॉक्टर आशा शर्मा बार बार ये कहा जा रहा है कि बॉटलिज्म है, और अगर यही कारण है तो फिर मृत पक्षियों को दफनाया क्यों गया, जलाया क्यों नहीं गया, ये भी एक अहम सवाल। लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि है क्या। देखिए मैं थोड़ा सा पीछे से शुरू करना चाहूंगी, रामसर साइट से जी। क्यों सांभर लेक इतनी इम्पोर्टेंट है? रामसर साइट है, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की साइट है। आपको भी पता होगा कि जो इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी होती है जिसके तहत ये तय किया जाता है कि इस साइट का कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज, सी ये जो वर्ड है सस्टेनेबल यूज, इसको मैं बार बार यूज लूंगी क्योंकि शायद सभी जो कॉज है हमारे सबकी जड़ सबकी रूट यही है कि हम उसको सस्टेनेबल यूज नहीं ले रहे, ओवर यूज ले रहे हैं। अब आप मुझे बात बॉटलिज्म की बात कर रहे हैं, देखिए दो तीन, जब मैं सर की बात से सहमत हूँ कि जब हम एकदम से हमने मास मोर्टेलिटी देखी तो हमें थोड़ा आइडिया लगाना चाहिए कि ये क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, दो तीन बातें हो सकती हैं। सबसे पहला ये हो सकता है कि ये कुछ पेस्टिसाइड्स हों या कुछ हैवी मेटल्स हों, लेकिन उन्हें हम किस हद तक नकार सकते हैं, क्योंकि इनसे जो मोर्टेलिटी होती है वो मास मोर्टेलिटी नहीं होगी, वो ग्रेजुअल मोर्टेलिटी होगी। अब चूंकि वहाँ एक साथ इतने सारे बर्ड्स मर गए तो हम इस चीज़ की को थोड़ा सा कम आंक सकते हैं कि वहाँ हैवी मेटल पॉल्यूशन है या पेस्टिसाइड पॉल्यूशन है, अनटिल अनलेस कि उनकी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वहाँ हो। अब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के लिए वहाँ कोई सोर्स होना चाहिए जो कि दिखता नहीं है कि कुछ मरकरी का बहुत बड़ा वहाँ सोर्स है या लेड का बहुत बड़ा सोर्स है या आर्सेनिक का बहुत बड़ा सोर्स है। तो एक बार इस चीज़ को हम एक तरफ रख सकते हैं। दूसरा, हम कहते हैं कि वहाँ सैलिनिटी इंक्रीज हो गई, नमक ज़्यादा था, तो उसमें भी एक बात ये बनती है कि हमारी बर्ड्स बहुत समझदार होती हैं, अगर वो इस तरह के पानी में आती हैं तो वो उड़ सकती थी। तीसरी बात ये कि किसी एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इससे पहले भोपाल की लैब ने ये नकार दिया था कि ये एवियन फ्लू है, H5N1 नहीं है, उस लैब से नकार दिया गया था। अब बॉटुलिज्म इसलिए हम सस्पेक्ट कर सकते हैं जैसा कि मनोज जी ने बताया कि बॉटुलिज्म के लिए क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम एक बैक्टीरिया है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ एन एनारोबिक बैक्टीरिया, ऑक्सीजन विहीन अवस्था में रहता है, प्लस इसकी एक बात और है कि ये हाई पीएच पर ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। अब वहाँ की जो सिचुएशन है वो अल्कलाइन है, हमें भी पता है हाई पीएच सिचुएशन है, तो उसमें ये बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर सकता है। बिल्कुल डॉक्टर आशा, इस पर हम आगे भी आपसे व्यूज लेंगे क्योंकि आप एक्सपर्ट्स हैं, आप सभी और ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जाने पर, क्योंकि हमारे संवाददाता भी वहाँ पर मौजूद हैं, वजह कोई नहीं बता पा रहा है, समाधान की तरफ कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन सिर्फ वहाँ पर देख कर नज़ारा वापस लौट कर आ रहे हैं। ब्रेक में जा रहे हैं लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल पंकज मीणा जी, वजह क्या मानते हैं? क्योंकि देखिए एक्सपर्ट्स हैं, ये अपनी राय इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पर मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर इस मामले को लेकर नजर आ रही है, और लापरवाही इसलिए भी कि जो जिम्मेदार है ना वो सामने आ रहे हैं, पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। श्वेता, हजारों किलोमीटर दूर से ये मासूम पक्षी और इतने सुंदर खूबसूरत पक्षी शायद ये सोच के यहाँ आते हैं अब तक कि यहाँ की फिजाएं उनके अनुकूल है, यहाँ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता परिवर्तन का असर उनके ऊपर भी होने लगा है। आप ये देखिए, 10 दिन पहले जब ये घटनाक्रम शुरू हुआ, जैसा गर्ग साहब अभी बता रहे हैं, इन्होंने 10 दिन पहले सरकार को इन्फॉर्म किया, अगले 2 दिन तक तो सरकार ये तय मतलब ये छुपाने में लगी रही कि नहीं ऐसा कोई घटनाक्रम ही नहीं है, उसके 2 दिन बाद तक वो ये तय नहीं कर पा रही कि कौन सा डिपार्टमेंट को डील करना है, वेटनरी डिपार्टमेंट को डील करना है या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को डील करना है। और अब भी ये देखिए स्थिति क्या हो रही है, आपने सैंपल वगैरह कलेक्ट किए, पहले तो आपने ये वादा किया कि साहब बरेली लैब में भेजेंगे, फिर आपने 3 दिन बाद डिसीजन बदला कि नहीं बरेली लैब में नहीं भेजेंगे, हम तो भोपाल लैब में भेजेंगे,
तो कुल मिला के ये सारा जो परिदृश्य समझाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार इस बारे में सचेत नहीं है और 20,000 से ज्यादा पक्षी मरने का शायद कहीं मेरे को लगता है कि गम नहीं है। 10 दिन पहले बताया गया लेकिन इसके बाद भी सरकार सचेत नहीं है और यही वजह की यहाँ पर इतना वक्त लग गया है। फिर के बाद आपका स्वागत है। तो काल आखिर क्यों बन गया ये नमक का समंदर इन पक्षियों के लिए, 20,000 पक्षियों की मौत हो गई, चर्चा इसी पर जारी। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षय सिंह जी, जब भी कभी इस तरह की घटना होती है जो जिम्मेदार होते हैं, जिनको जवाब देना चाहिए, वो जरूर छुपते छुपाते नजर आते हैं। सरकारी विभाग हो या अधिकारी हो, वो बचते नजर आते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि इन चीजों में, इस तरह के गंभीर मामलों में, उन्हें सामने आना चाहिए और अभी भी ये हो रहा है इसी मामले में भी? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस मामले में किस डिपार्टमेंट को लेना, ये पूरा गवर्नमेंट के पूरे अपने सिस्टम को वर्क करना चाहिए, सभी डिपार्टमेंट करना चाहिए। और इस तरह की कैलेमिटी हो रही है और लार्ज स्केल पे हो रही है, तो एक डिपार्टमेंट, आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बहुत छोटा डिपार्टमेंट है, उसके पास ज्यादा इतने संसाधन भी नहीं है, इतने वो भी नहीं है। और ये पूरा टोटल जो एरिया है वो 120 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, टोटल एरिया, और जो सैलिनिटी वाला एरिया है या सॉल्ट वाला एरिया है वो 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, नागौर है, अजमेर है, जयपुर है, अलग अलग उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। मैं तो मानना था कि ये पहले जब एनजीटी ने जब ऑर्डर दिए थे एक बार कि इसको रामसर, मतलब इंटरनेशनल साइट है, रामसर साइट है, इसको कैसे इसको प्रिजर्व किया जाए, उसके लिए उन्होंने उसमें ऑर्डर भी दिए थे कि एक इसका सर्वे किया जाए, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाए, और उसमें एक्शन नहीं हुआ। अब मेरा मानना है कि इसमें एक जो है सांभर लेक कंजर्वेशन सोसाइटी या डेवलपमेंट सोसाइटी बनाई जाए, डिफरेंट डिपार्टमेंट उसमें रखे जाए, एक मतलब एक आपका प्लान बनाना पड़ेगा। अब हो गया इसका तो इलाज कर ही रहे हैं, पर इसका जब तक आप एक अथॉरिटी नहीं बनाएंगे जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट उसमें होंगे। ये तो तय है कि रामसर साइट है, लेकिन इसके बाद आपको लगता है कि जो प्रक्रिया, जो प्रोसीजर होना चाहिए वो इस पर, इसे लेकर पूरा नहीं किया गया है? नहीं होना पूरा, हो गया होता तो इस तरह के हम तुरंत एक्शन लेते हैं ना। इस तरह का यदि हम कर लिए होते, आज एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा, आज अब जब इतना हो गया तब सब मिलकर काम कर रहे हैं, नो डाउट, अब पूरी तरह से टीमें लग गई हैं, पर एक टाइम था कि जब काफी टाइम निकल गया हमको, तब ये हमको करना कि कौन एक्शन ले, कितने तेज थे ये, मैं तो एक मानता हूँ, एक मेरा जो मानना है, ये डेड बॉडी का जो रिमूवल था वो बहुत तेजी से होना चाहिए था, तो शायद इतनी कैजुअल्टी नहीं होती। सुधीर गर्ग जी, आपने बताया कि सर जब पहले दिन से ऐसी चीजें थी, आपने इन्फॉर्म किया था, 10 दिन बीतने के बाद ये नजर आ रहा है कि अब कुछ करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन कहाँ पे सुनवाई नहीं हुई, कहाँ लोग सुने नहीं, या फिर कहाँ इसको लेकर एक्शन करने की शुरुआत नहीं की गई? इतना इम्पोर्टेंट मैटर नहीं है कि किसी ने सुना नहीं या नहीं सुना, सुनने के बावजूद भी कर क्या सकते थे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये इतना बड़ा एरिया है, इसमें काम करना एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है किसी भी संस्था के लिए। बहुत सारे एनजीओ लगे हुए हैं, लोकल एक्टिविस्ट वहाँ के लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के भी लोग लगे हुए हैं, डिले जरूर हुआ है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जो अपन सोच रहे हैं कि हम बर्ड्स को, अभी भी बर्ड्स जो मर गए वो अलग बात है, अभी भी डेली कैजुअल्टीज हो रही हैं, हम उनको भी नहीं बचा पा रहे, नहीं बचा पा रहे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ध्यान इस ओर देना चाहिए कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो है उन्हें कैसे बचाएं, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है जो है उनको बचाना है, और जो आने वाले हैं बर्ड्स माइग्रेटरी आकाश में उड़ते हैं वो कहाँ उतरते हैं पानी देख के कि भाई ये इतना बड़ा साइट है, दिस इज सेफ फॉर मी, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि वो जहाँ जा रहे हैं वो उनके लिए मौत का कारण बन सकता है। मैंने पहले भी बात कही थी, वही बात की कि हम क्यों नहीं मानते इमरजेंसी है ये, कि बर्ड्स को क्यों हम इतना लाइटली ले रहे हैं? आपने कहा कि एक लेपर्ड की डेथ हो जाती है, एक टाइगर की डेथ हो जाती है, सारा स्टेट डर जाता है, बर्ड्स स्टेट को मालूम, आज हमारे ऊपर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी हैं, इस तरह के जो माइग्रेट बर्ड्स आ रही हैं, क्या हमारी पूरी इस तरह नहीं जा रही, किस तरह हमने अफोर्ड कर रहे हैं पूरे, आपको इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन करनी पड़ेगी, टीमें लगानी पड़ेंगी, पूरे इन्वेस्टमेंट लगना पड़ेगा, एसडीआरएफ की टीम लगानी पड़ेगी, करना ही पड़ेगा, अभी भी मौके पे कोई समाधान की बात नहीं कर रहा है, कैसे बचाया जाए उसको लेकर कोई नहीं बात कर रहा है, मालूम ही नहीं है, दे आर नॉट एक्सपीरियंस, उन्होंने कभी ऐसी कैलेमिटी दुनिया में देखी नहीं है, जो लोग इसको डील कर रहे हैं उन्होंने नहीं देखा ऐसा कभी, तो और इससे पहले राजस्थान या भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ऐसा है जो सांभर लेक, इतना बड़ा कैलेमिटी पहली बार, इसके लिए प्रिपेयर नहीं है कोई भी डिपार्टमेंट या इतना स्टाफ भी नहीं है और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, पहले जो डेथ हो गई वो अलग मैटर है, आगे आने वाली डेथ्स को रोकना, क्योंकि सांभर लेक के चारों तरफ जो फ्रेश वाटर बॉडीज हैं वहाँ कोई कैजुअल्टी नहीं है, जो प्रॉब्लम है खाली लेक वाटर में, लेक वाटर, और जो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज हैं उनका एरिया, एरियल डिस्टेंस 5-7 किलोमीटर ही है, जहाँ की लाखों बर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन वो वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं, वहाँ पानी बहुत ज्यादा है, तो वो बर्ड्स को पानी में बैठने के लिए लिमिटेड वो चाहिए शैलो वाटर, तो लेक के चारों तरफ वो शैलो होता है, इसलिए वो वहाँ उतर रहे हैं, तो ये अब मैन्युअली किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है कि बर्ड्स को वहाँ से सजेशन आते हैं, शू अवे देम, तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, इतने लाखों बर्ड्स को कैसे
अब डायरेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ नहीं आए वहाँ जाए। अब तो सवाल ये है कि जो माइग्रेटेड बर्ड्स है, जो अभी आ रहे हैं, जो ऑन रूट है, उन्हें अब कैसे बचाया जाए, कैसे रोका जाए, क्योंकि वो तो इस तरफ आएंगे। इस पर भी जवाब लेंगे, इस पर भी जवाब हम मनोज कुलश्रेष्ठ जी से लेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटी, आपका स्वागत है। तो चर्चा जारी है, पक्षी 20,000 जो जान गंवा चुके हैं, लेकिन वजह अब तक सामने नहीं आ पाई। हालांकि जाँच की जा रही है, यहाँ पर टेस्ट किए जा रहे हैं, ताकि रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि कुछ क्लियर हो सके आखिर वजह क्या है। लेकिन इस बीच अहम ये हो जाता है कि आखिर जो पक्षी यहाँ पर माइग्रेटेड जो आ रहे हैं, उन्हें कैसे बचाया जाए। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और सवाल मनोज कुलश्रेष्ठ जी आपसे ये इसे समझना भी चाहेंगे कि जो पक्षी अभी माइग्रेटेड हैं, जो वहां से आ रहे हैं रास्ते में, और करीब इनकी संख्या 80,000 बताई जा रही है, उन्हें कैसे यहां पर आकर रोका जाए, क्योंकि वो यहां पहुंचेंगे, यहां स्थिति ऐसी है, अभी कुछ क्लियर भी नहीं है कि आखिर वजह क्या है, बैक्टीरिया है या क्या रीजन है। तो ऐसे में क्या कोई रास्ता है कि उन्हें रोका जा सके, या फिर उनका आना भी तय है? देखिए, माइग्रेशन तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सदियों से चलती है, और इसका कारण ये होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो उत्तरी गोलार्ध में पक्षी होते हैं, वहाँ बर्फ गिर जाती है, तो उनको धीरे धीरे नीचे वो आना शुरू करते हैं। और जहाँ बड़ी वाटर बॉडीज हैं, रामसर साइट भी है, उसके अलावा भी हैं, जैसे डल लेक है, वूलर है, हरिके है, या आगे और लेक्स हैं, पोलीकट वगैरह कुछ इसमें से रामसर साइट्स हैं, वहाँ रिफ्यूलिंग के लिए इनको रुकना ही पड़ता है। तो आती हैं, थोड़े दिन रुकती हैं, अगर फेवरेबल होता है तो ज़्यादा दिन रुक जाती हैं, और अगर कम फेवरेबल होता है तो वो आगे बढ़ जाती हैं। अब रोकने की, और ये जो सेंसस होता है कि 80,000 आ रही हैं या लाख आ रही हैं या 50,000 आ रही हैं, ये एशियन वेटलैंड ब्यूरो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंसस कराता है हर साल, तो हर साल का सर्दियों में सेंसस होता है। तो अभी ये अगर कोई बता रहा है तो एक वो भी एक गैस है कि वो रास्ते में। अब बात आती है कि उनको रोका कैसे जाए, तो इसमें रोकने का जो दुनिया में तरीका है लेक्स पे वो नोन है। उसमें ये है कि जो ये सिल्ट, जो डिकम्पोजिंग वेजिटेशन है, जो सड़ती हुई वनस्पति है, जो कि ऑक्सीजन की कम मात्रा में पनपता है बैक्टीरिया, उसको रोका जाए। इस बैक्टीरिया के भी कई स्ट्रेन्स हैं, 5 स्ट्रेन्स नोन हैं, और इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम बैराटी और ब्यूटायरम, ये दो और स्ट्रेन्स हैं जो बॉटुलिनिज्म पैदा करते हैं। अब अपने को चाहिए कि अगर हम किसी भी तरह कर सकते हैं तो एक तो इसमें ऑक्सीजनेशन हो, वो एजेस पे ही हो सकता है, बीच में नहीं हो सकता, और मॉर्टेलिटी शैलो वाटर में ही हो रही है, अगर कहीं थोड़ा भी गहरा है तो वहाँ नहीं होती। दूसरी बात, जब बर्ड को ये न्यूरोटॉक्सिक वो लग जाता है, मतलब ये बैक्टीरिया अंदर चला जाता है और वो मर जाती है, तो उस पर एक कारकस मैगट साइकिल चलती है, जिसमें उसमें मैगट्स पड़ते हैं और वो मैगट्स दूसरी बर्ड्स खाती हैं, और उससे वो एक सिस्टम में एंटर हो जाती है, तो बड़ा वो एपिडेमिक जैसा वो हो जाता है, जैसा इस स्टेज में हो रहा है। मैंने कुछ बर्ड्स को उल्टा किया था तो उसमें मैगट्स बहुत सारे थे, और उस पर डेफिनेटली दूसरी बर्ड्स ने फीड किया। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ब्लैक शोल्डर काइट के भी हैं, कहीं ग्रीन बीटर के भी हैं, कोई और बर्ड्स के भी हैं, कौवा भी खा रहा था एक कारकस पे, ईगल आउल भी है। तो ऐसे करीब 35 स्पीशीज, 32-33 स्पीशीज, अलग अलग लोगों की अलग अलग लिस्ट है, लेकिन 16 स्पीशीज मैंने 12 तारीख को जब मैं गया था तो मैंने देखी थी खुद और रिकॉर्ड की थी, 100 मीटर में कितनी स्पीशीज मरी हुई थी। शॉवलर सबसे ज़्यादा थी और बाकी ये वेडर्स थे। अब बात आती है कि अगर हम ऑक्सीजनेशन कर सकते हैं या डीसिल्ट कर सकते हैं वहाँ से कोई ड्रेजर चला के और उसको हटा सकते हैं, तो ऑक्सीजनेशन अपने आप हो जाएगा। और दूसरी बात, इंसिनरेशन और दबाने की बात है, ये तो बैक्टीरिया कई साल तक है ना उसमें स्पोरुलेट होके पड़ा रहता है। फेवरेबल कंडीशंस इस बार आई हैं, इस बार पानी आया, टेम्परेचर कंडीशन, ये तीन चीज़ों पे वो करता है, वाटर लेवल है, टाइम ऑफ अराइवल ऑफ बर्ड्स है, क्योंकि पैसेज माइग्रेशन तो पहले से ही शुरू हो गया था जुलाई अगस्त से, वो बर्ड्स अफेक्ट नहीं हुई। अभी क्या हुआ, जो वेजिटेशन सड़ना शुरू हुई और इकट्ठी हुई, और उसमें ये बॉटुलिनम ने जब प्रोपगेट किया और जो अब बर्ड्स आई उन्होंने खाया, उससे ये मरी। तो अब या तो हम डिस्ट्रैक्ट करें, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, कि फायर क्रैकर्स चलाएं या वॉलंटियर्स लगाएं बहुत सारे, या और तरीके की वो करें, या ऑक्सीजनेट करें, या अपीवल हो उसका के जो भी रास्ता उठाना हो उसे जल्द से जल्द करना होगा, जिस तरह से आपने एक एक करके बताया। हाँ, भी लेकिन डॉक्टर आशा आपसे अहम सवाल रहेगा, जिस तरह से बॉटलिज्म को लेकर बात की जा रही है कि रीज़न है, लेकिन क्या इस महामारी के इसके अलावा भी और कारण हो सकते हैं, और ये कैसे क्लियर होगा? देखिए, अभी तो बॉटुलिज्म ही एक सामने आ रहा है कारण, क्योंकि भोपाल लैब नकार चुकी है कि फ्लू नहीं है। बाकी जो पैरामीटर्स हैं हम जयपुर के लैब में भी कर सकते हैं, जैसे एसिडिटी है, एल्कलिनिटी है, सैलिनिटी है, फाइटोप्लैंकटॉन्स है, जू प्लैंकटॉन्स है, ये सब हम हमारी लैब में भी। अब किया ये जाना चाहिए कि युद्ध स्तर पर जो डेड एनिमल्स हैं उनको युद्ध स्तर पर हटाना चाहिए, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, ये प्रोटीनेशियस
कार्कस पे सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, और चूँकि बर्ड्स की मसल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उन कार्कस को हटाइए, डेड एनिमल्स को युद्ध स्तर पर कैसे भी हटाइए, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और रहा सवाल इंसिनरेशन का, तो इंसिनरेट ही किया जाना चाहिए, वो सबसे सुरक्षित तरीका है, नहीं तो नेक्स्ट ईयर ये फिर से फ्लेयर अप करेगा, क्योंकि फिर से उसे अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी बैक्टीरिया के स्पोर्स को, और वो फिर से फ्लेयर अप कर जाएंगे। तो सबसे दफनाने की जगह, सबसे जो सुरक्षित तरीका है माइक्रोब्स का, बैक्टीरिया का, वो जलाना ही होता है। बिल्कुल, ये एक अहम बात है। लेकिन अक्षय सिंह जी, अवैध ट्यूबवेल पर कार्रवाई करने की बात कही जाती है कि कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि करंट से भी इन पक्षियों की मौत हुई है, और ये शिकायतें पहले भी कई बार आई, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्या आप नहीं, करंट से हाँ। तो मैं नहीं मानता करंट से कोई इस तरह का कोई तो दो चार तो बात हाँ, नहीं, लेकिन ये भी एक रीजन मानने के लिए कहा जा रहा है, जो तस्वीरें आई कि बिल्कुल तार, इसमें ये कि सैलिनिटी एक बहुत एक बड़ा फैक्टर हो सकता है जिसपे हम सोचना है। वैसे आप मैडम कह रही है कि सैलिनिटी इतना नहीं और वो बर्ड्स अपने आप उसको शिफ्ट कर जाती है, पर मेरा मानना है कि जिस तरह से वहाँ पे इलीगल जो सॉल्ट की माइनिंग चल रही थी, वाटर का एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, तो हमको पहले सेंट्रल सॉइल जो सैलिनिटी इंस्टीट्यूट है करनाल में, उससे वहाँ पे डिफरेंट जोन बना के कितना कितना वहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन है उसको भी चेक कराना चाहिए। मैं मानता हूँ एक बड़ा रीजन ये भी है, इस बार ज्यादा बारिश हुई है, नमक माफिया भी वहाँ बहुत काफी काफी मात्रा में है, और हो सकता है कि इस बार ज्यादा बारिशों के कारण नीचे का जो लेयर उसके मिल के और उसमें सैलिनिटी बढ़ गई हो, तो हमको जो करनाल का इंस्टीट्यूट है सैलिनिटी इंस्टीट्यूट, वहाँ पे इसके डिफरेंट जोन बना के, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, आपको डिफरेंट जोन बना के उसमें आपको उसको चेक करना पड़ेगा कि सैलिनिटी कितनी है, और हो सकता है बहुत ज्यादा है, तो ये भी एक बहुत जरूरी है। बिल्कुल पंकज जी, नमक माफिया खनन कार्यकर्ता जो हैं, खनन जो कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उनकी भी तादाद बहुत ज्यादा है, इसको लेकर भी शिकायतें लगातार की जाती रही हैं, लेकिन सवाल वही उठता है कि कार्रवाई कोई करने वाला नहीं है, देख रेख करने वाला कोई नहीं है, और अब जब हजारों की तादाद में पक्षियों की मौत हुई तब ये हाईलाइट होता है मामला, और इसके बाद अलग अलग एंगल निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी तक की स्थिति को संभालने में सरकार बिल्कुल असफल हुई है, परंतु अभी हमको आज भी अभी हमारे पास समय है, हम अभी लाइन ऑफ एक्शन अगर ठीक से तय करें तो आगे कैजुअलिटी को रोका जा सकता है। और श्वेता, हम एक चीज और याद रखनी पड़ेगी हमको, यहाँ से ठीक 200 किलोमीटर दूर केवलादेव बड़ा बर्ड्स की एक सेंचुरी है, वहाँ भी बहुत बड़े संख्या में माइग्रेंट्स आते हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि ये इन्फेक्शन यहाँ से वहाँ भी पहुँच सकता है? और आप इस बारे में हम इनकार नहीं कर सकते कि राजस्थान अगर बर्ड्स के लिए एक तरह से हेवन है, यहाँ बहुत सारे पक्षी आते हैं और पक्षियों को देखने के लिए पर्यटक बहुत आते हैं, क्या ये सब चीजें प्रभावित नहीं होगी क्या? और श्वेता, मेरे को कहीं ना कहीं इसमें एक एंगल और हमको देखना पड़ेगा, क्या कहीं ना कहीं ऐसा कोई वायरस है क्या ये जो वायरस जो है इंसानों तक तो नहीं आ जाएगा? तो ये सब चीजें सरकार को बड़े सचेत होके और बहुत क्विक एक्शन करना पड़ेगा, परंतु जिस प्रकार से सरकार सोई हुई है, मुझे इस बात की उम्मीद कम है कि सरकार इतना फास्ट कोई एक्शन कर पाएगी। हाँ, ये जरूर है कि एनजीओ हैं और जो कोई कुछ समाज में लोग हैं जो बड़े अधिकारी मंत्री तो वहां पहुंच रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि नहीं, इसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा, एक्टिव आज एक दो दिन में तो नजर आ रहे हैं सभी, कैसे देखा जाए, या ये माने कि देर आए दुरुस्त है? श्वेता देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, परंतु 10 दिन बाद में तो पहली बार सरकार का कोई नुमाइंदा कृषि मंत्री वहां पहुंचते हैं, तो मुझे इस बात की उम्मीद कम है। हाँ, अगर वास्तव में वो जो चाहते हैं तो इसके ऊपर कोई एक्शन प्लान बनाए और तुरंत प्रभाव से इसको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि ये पीक टाइम है जब बर्ड्स बड़ी संख्या में साइबेरिया तक से यहाँ राजस्थान में आते हैं, तो इसको सरकार को बहुत, जैसे अभी यहाँ सभी लोग कह रहे हैं कि ये तो एक तरह से इमरजेंसी है, तो इसको इमरजेंसी मानते हुए हमको उसी तरह से एक्शन लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल सुधीर गर्ग जी, एक अहम चीज़ ये भी कि ठीक है अभी तो ये तय नहीं है कि क्या वजह यहाँ पर है, लेकिन एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं, जांच भी यहाँ पर जा रही है, लेकिन एक और चीज़ देखिए कि वहाँ रेस्क्यू जारी है, वहाँ से पक्षियों को हटाया जा रहा है, उनके जो शव है, जो उसके अवशेष मिल रहे हैं उनको हटाया जा रहा है, लेकिन जो रेस्क्यू वहाँ पर कर रहे हैं ना वो ग्लव्स पहने नजर आ रहे हैं ना वो मास्क लगाकर नजर आ रहे हैं, जबकि ये चीज़ें तो जरूरी होती है रेस्क्यू के लिए, जरूरी है, संसाधनों की बहुत कमी है, क्योंकि सिचुएशन की ग्रेविटी को उस तरह से समझा नहीं गया जिस तरह की वो थी। रेस्क्यू जो कर रहे हैं वो बहुत स्मॉल लेवल पे कर रहे हैं, इतनी बड़ी लेक के लिए रेस्क्यू के लिए छोटी छोटी वाटर बॉडीज हैं, उनमें कितने बर्ड्स आप रख सकते हैं, उनको शिफ्ट किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, वो 15 किलोमीटर है एक नर्सरी है, इस टाइम पे मौके पे ही एक बहुत बड़ी कोई रेस्क्यू सेंटर की जरूरत थी जो कि अभी तक भी नहीं बना है, वो ट्रैवल करने डिस्टेंस में जो टाइम वेस्ट होता है उसमें भी बहुत सारी कैजुअल्टीज हो जाती हैं, तो जो जहाँ पे डेड बॉडीज मिल रही हैं, जहाँ पे बर्ड्स अभी सर्वाइव हैं, अभी जिंदा हैं, उनको ट्रांजिट नहीं करके वहीं पे उनके लिए रेस्क्यू सेंटर बनना चाहिए, और
ग्लव्स है, मास्क है, ये तो बेसिक चीजें हैं। इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, वो जो रेस्क्यू कर रहे कर्मचारी उनको हो सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो नहीं समझ रहे हैं। तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उनकी है, बर्ड्स के साथ साथ जो ह्यूमन लाइफ है। बहुत सारे एनजीओज लगे हुए हैं, उनके वर्कर्स लगे हुए हैं, दे आर नॉट अवेयर। लेकिन सर अभी आपने कहा कि संसाधन की कमी है वहाँ पर, ये इतनी बड़ी महामारी है इसलिए संसाधन की कमी हो गई, या छोटे लेवल पर भी जब भी होता था तो संसाधन की कमी नजर आती है? छोटे लेवल पे कभी ऐसी घटना हुई नहीं है, ये पहली बार हुआ है, ये इतनी बड़ी हो रही है, मास स्केल पे हो रही है। कभी एक बर्ड भी हमें डेड मिल जाता था या शिकार होता मिलता था तो लोग उसकी रिपोर्ट करते थे। इस बार ये मैटर इतना बड़ा है कि इसका कोई मैग्नीट्यूड जज ही नहीं कर सकता है। और इसके लिए ग्लव, मास्क, ये सब मार्केट में उपलब्ध हैं, बहुत होलसेल में, बहुत चीप क्वालिटी में मिल जाते हैं। तो वो तो वहाँ पे एक स्टोर बना के जो आने वाले हैं एनजीओज हैं उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल मनोज कुलश्रेष्ठ जी, क्योंकि आप लोग इसे लेकर स्टडी भी करते हैं, मौके पर जाते हैं, सब देखते हुए, लेकिन इस बार रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बात की जाए, जब इस तरह की महामारी आती है, हालांकि ये पहली बार यहाँ पर हो रहा है, लेकिन जब ऐसा होता है तो क्या प्रिकॉशन ऐसे में लेकर चलना चाहिए जो कि वहाँ नजर नहीं आ रहा है? वहाँ से बहुत सारी शिकायतें आ रही है कि भाई इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर तो इसके लिए भी व्यक्ति जो कर्मचारी है उसको भी कितना अलर्ट रहने की जरूरत है, या कौन से ऐसे प्रिकॉशन है जो लिए जाने चाहिए ताकि दूसरे इफेक्टेड ना हो? देखिए वहाँ प्रशासन नजर आया था, 12 तारीख को भी वेटनरी डॉक्टर्स की एक टीम थी, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग भी थे। बात यह है कि जब ऐसी चीज़ पहले हुई नहीं यहाँ पर तो कोई तैयारी पहले से होगी ऐसा तो संभव नहीं है। अब बात यह आती है कि ग्लव्स और उसकी ही बात नहीं है, बात यह है ग्लव्स और वो पहने या ना पहने, जो रीज़न है, जो कॉज है इसका डेथ का, जब तक उसको एड्रेस आप नहीं करेंगे तो और बर्ड्स मरेंगी, वही हमारा कंसर्न है। हमें इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन आया कौन गया। एक तो हमारे यहाँ टेस्टिंग लैब्स नहीं है, क्यों नहीं है जब दूसरी जगहों पर है, भोपाल में है, खैर वो नेशनल इंस्टीट्यूट है, लेकिन हमें इस बात से ये सबक लेना चाहिए कि हमें साइंस पे भी, जब साइंस पे आधारित सारी चीज़ें रेमेडियल मेजर्स हैं तो उस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारे वेटनरी डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग पे बाहर भेजा जाना चाहिए, जो एवियन आप टाइगर ट्रीट करते हैं, आप जू एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, आप बिल्ली, कुत्ता, गाय, बछड़ा सब ट्रीट करते हैं, पर क्या वेटनरी का एवियन वेटनरी नहीं होनी चाहिए ताकि उनको ये पता पड़े? पोल्ट्री तक तो वो डील करते हैं लेकिन पोल्ट्री से बिल्कुल मनोज जी, ये जो बातें आपने कही है बिल्कुल, इससे कम से कम सीख लेने की भी जरूरत है कि जो नहीं है और जिस वजह से ये सब फेस करना पड़ रहा है, कम से कम आने वाले वक्त के लिए इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वक्त खत्म होने वाला है। डॉक्टर आशा एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे, क्या कुछ किया जा सकता है, क्या हुआ है, ये सब चीजें हैं लेकिन अब प्रायोरिटी में क्या होना चाहिए? अब देखिए सबसे पहले हमें इस स्थिति से निपटने के बाद एक लिम्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर डेवलप करना चाहिए, क्योंकि हमारे राजस्थान में दो रामसर साइट है, केवलादेव और ये सांभर, तो एक लिम्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर जरूर होना चाहिए जिसमें कि पीरियोडिकली टेस्टिंग हो वहाँ के वाटर और सॉइल की। इनफैक्ट अभी भी जो एरियाज जहाँ पर मोर्टेलिटी नहीं है उस एरिया के सैंपल्स, और जहाँ मोर्टेलिटी है उस एरिया के सैंपल्स कलेक्ट करके उनकी भी स्टडी, अभी ये तो हमारे जयपुर के लैब में भी हो सकती है, उसको तुरंत किया जाना चाहिए। प्लस ये जो रिसर्च सेंटर है इसकी ये जिम्मेदारी हो कि हर महीने जांच हो सॉइल की और वाटर की, और वो सार्वजनिक हो, वो पता लगे लोगों को, साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को कि हमारे सांभर लैब की कोई भी कन्वेंशन सेंटर की क्या स्थिति है, क्योंकि आगे कभी इस तरह घटनाएं नहीं हो तो एक लेक कंजर्वेशन अथॉरिटी जरूर बनानी चाहिए जिसमें सारे एक्सपर्ट हो और तुरंत डिसीजन में ले लें वो, और इस तरह की चीजें नहीं हो फिर ये डिले नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो क्या वजह है, क्या कुछ किया जा सकता है, इससे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि अब कम से कम कुछ करने की जरूरत है, ना कि एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने के। हालांकि जिससे हमारे एक्सपर्ट्स यहां पर बता रहे थे, उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदार हैं वो इन पहलुओं पर भी ध्यान दें ताकि कुछ किया जा सके, कम से कम जो और पक्षी हैं जो यहां आ रहे हैं उन्हें बचाया जा सके, अब 20,000 से ऊपर ये आंकड़ा ना जाए। इसी के साथ बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक अहम खबर।